गाइस अगर आप भी अपनी क्रश को प्रपोज मारने गए हो और उसने आपको बोला चूतिया आ गया लाइन पर, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 18,000 के प्राइस पॉइंट के नीचे नीचे ऐसे कैमरा फोन्स जिनमें फोटो क्लिक करने के बाद आपकी क्रश भी आपको हो लेगी। चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को इससे दूर रहना चाहिए, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना एंड चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और अपने घंटे को जोर से दबा लो ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज हमारी लिस्ट का फर्स्ट जो स्मार्टफोन आता है वो आता है Realme की तरफ से। चलिए सबसे पहले तो कैमरा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, बट इस कैमरा सेटअप का एक माइनस पॉइंट यह है कि इस स्मार्टफोन में आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं देखने को मिलेगा। तो 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो इन डेप्थ सेंसर मिल जाएंगे जिससे आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियोग्राफी कर सकोगे। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा आपको इसमें मिल जाएगा जिसमें आपको सैमसंग का सेंसर लगा हुआ मिलता है और ये सेंसर आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी पिक्चर्स प्रोवाइड कराता है। कैमरा सेटअप की बात होने के बाद अब बात कर लीजिए स्मार्टफोन के अदर एडिशनल फीचर्स के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है जिसपे आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है जिससे आपका हर मोमेंट बहुत ही ज्यादा स्मूथली रन करेगा। चिपसेट वगैरह की बात की जाए तो MediaTek का Dimensity 810 चिपसेट मिल जाता है जो एक 5G सपोर्टिव चिपसेट है। बैटरी लाइफ वगैरह की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है जिसको चार्ज करने के लिए आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो फाइनली गाइस बात कर दे स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का जो नाम है वो है Realme 8S और प्राइस जानने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारा अगला जो स्मार्टफोन आता है ओप्पो की तरफ से और ये स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छे कैमरा फीचर्स के साथ आपको मिलता है। चलिए सबसे पहले बात कर लीजिए स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2-2 मेगापिक्सल के 2 एडिशनल कैमरा भी मिल जाते हैं और इस कैमरा सेटअप से आप मैक्सिमम 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकोगे। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाता है और इस कैमरा से आप 1080 पिक्सल तक की मैक्सिमम वीडियोग्राफी कर पाओगे। कैमरा सेटअप के बाद एडिशनल फीचर्स की बात की जाए तो 6.43 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगी और साथ ही आपको मिल जाएगा MediaTek का Helio P95 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का चिपसेट जिसमें आप एक अच्छी खासी गेमिंग को अंजाम भी दे सकोगे। गाइस बैटरी लाइफ की बात की जाए तो 4015 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी और साथ ही मिल जाएगा 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो आपके स्मार्टफोन को बहुत आसानी से जल्दी चार्ज कर देगा। सो फाइनली बात कर जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का जो नाम है वो है Oppo F17 Pro और प्राइस जानने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट करके बाई भी कर सकते हो। गाइस हमारा अगला जो स्मार्टफोन आता है वो आता है आइको की तरफ से एंड जिसका नाम है IQ Z3 और ये स्मार्टफोन एक अच्छा कैमरा फोन होने के साथ साथ एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन भी है। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक एडिशनल कैमरा भी मिल जाता है एंड इस कैमरा सेटअप से आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 20 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाता है जिससे आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक के रेजोल्यूशन की वीडियोग्राफी कर सकोगे। कैमरा सेटअप की बात होने के बाद अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में। तो गाइस इस स्मार्टफोन में आपको 6.58 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है जिसके साथ आपको 120 हर्ट्ज की फास्ट स्मूथ रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगी। एंड अगर चिपसेट पर नजर डाली जाए तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 768G 5G सपोर्टिव चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा जिसके साथ आप एक अच्छी खासी गेमिंग को अंजाम भी दे सकोगे। बैटरी लाइफ वगैरह की बात की जाए तो 4400 mAh की मैसिव बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी जिसको चार्ज करने के लिए आपको 55 वाट का फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाएगा जो आपके स्मार्टफोन को बहुत ही ज़्यादा जल्दी चार्ज कर देगा। सो फाइनली अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में तो प्राइस जानने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट करके बाय कर सकते हो। तो गाइस ये थे आज के हमारे स्मार्टफोन्स, आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और अपने घंटे को जोर से दबा लो ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।